हेलो दोस्तों आज हम बात करते हैं सीबीएसई बोर्ड का पेपर कैसे बनता है तो हमारे साथ सीबीएसई के सर आए हुए हैं और वो तो आपको बताते हैं पूरा प्रोफार्मा कैसे बनता है ओके हेलो गाइस तो फर्स्टली नेम ऑफ स्कूल एंड सेकंड क्लास एंड थर्ड होगा आपका सब्जेक्ट एंड फोर्थ मेंशन होगा आपका एम ए एम 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 मीन्स होता है मैक्सिमम मार्क तो सपोज दैट हम एटीन मार्क्स का एट्टी मार्क्स का और यहां पे होगा आपका डेट मेंशन ओके अंडरस्टूड तो डेट मेंशन सपोज दैट यहां पे डेट कोई भी डाल दीजिए ओके okay. तो फर्स्ट यहां पे होगा एमसीक्यू, एमसीक्यू, एमसीक्यू एम मींस होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो एमसीक्यू में फर्स्ट क्वेश्चन नंबर वन सपोज दैट बोलो थ्रा बोला चूज द करेक्ट ऑप्शन ओके चूज द करेक्ट ऑप्शन जैसे सपोज दैट फर्स्ट क्वेश्चन हुआ वेयर इज सिचुएटेड वेयर इज सिचुएटेड रेड फोर्ट रेड फोर्ट ओके तो अब इसमें फोर ऑप्शन होगा तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे हो जाएगा बच्चों सपोज uh, दैट कोई सिटी भी डाल दीजिए आप रेड फोर्ट फर्स्ट होगा न्यू डेल्ही एंड बी ऑप्शन होगा आगरा एंड सी ऑप्शन होगा प्रयागराज एंड डी ऑप्शन हो जाएगा लखनऊ ओके okay. उसके बाद फर्स्ट एम सी हो गया सेकेंड हो जाएगा आपका फिलिंदी ब्लैंक्स दी ब्लैंक्स, ब्लैंक्स। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका ट्रू फॉल्स एंड फोर्थ हो जाएगा आपका मैच द मैच दैच फॉलोइंग मैच दी फॉलोइंग एंड फिफ्थ ऑप्शन हो जाएगा आपका वेरी शॉर्ट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ओके एंड नेक्स्ट हो जाएगा सिक्स हो जाएगा शॉर्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एंड सेवेंथ ऑप्शन हो जाएगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एंड नेक्स्ट हो जाएगा जैसे आपको देना है जैसे मै <coughs> मैप हो गया इंडिया मैप हो गया जैसे मैप वर्क यहाँ पे लिखा जाएगा ओके okay? अब मैप वर्क में आप कोई भी उसमें इंडिकेट कर दीजिए हाउ मेनी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन इंडिया तो आपको जैसे सपोज दैट यू उत्तर प्रदेश फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश अब इतना आप लोग समझ गए होंगे उत्तर प्रदेश कर देगी कर देंगे और उसके बाद और कोई स्टेट मेंशन कर देंगे जैसे सपोर्ट उत्तर प्रदेश हो गया मध्य प्रदेश केरला फिर जम्मू एंड कश्मीर तो ये सब डिफाइन करने के बाद उसमें मेंशन करने के बाद उसमें इंडिकेट करना पड़ेगा मैप में तो जैसे ये तो इंडिया मैप हो गया वर्ल्ड मैप में जैसे वर्ल्ड लेवल पर आप कोई भी जैसे सिटी सिटी नेम हो गया और हाउ मैनी मतलब की कैपिटल इन द वर्ल्ड या यूनाइटेड नेशंस के कोई भी आप वहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं तो ये हो गया हमारी प्रोफार्मा तो फर्स्ट हो गया एम सी क्यू सेकेंड हो गया फिल इन द ब्लैंक्स थर्ड हो गया ट्रू फॉल्स फोर्थ हो गया मैच द फॉलोइंग एंड फिफ्थ हो गया वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नेक्स्ट हो गया शॉर्ट आंसर एंड नेक्स्ट हो गया लॉन्ग फिर मैप वर्क तो ये हो गया हमारी सी बी एस ई बोर्ड का चाहे वो फिफ्थ हो फिफ्थ से लेकर नाइन्थ तक के आप इसको क्वेश्चन पेपर का एक मॉडल सेट तैयार कर सकते हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा थैंक यू नेक्स्ट वीडियो हम मिलते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए धन्यवाद